100 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचने वाला कैलिफोर्नियन सिकोया पृथ्वी की अन्य अनुमानित 60,000 वृक्ष प्रजातियों से ऊंचा है। कोहरे से भरे सियेरा नेवाडा पहाड़ों में उगते हुए उनके विशाल तने दुनिया के सबसे ऊंचे ज्ञात पेड़ों को सहारा देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इन विशालकाय पेड़ों की भी अपनी सीमाएं हैं। रिकॉर्ड में कोई भी सिकोया 130 मीटर से अधिक लंबा नहीं हो पाया है और कई शोधकर्ताओं का कहना है कि ये पेड़ आने वाले हजारों वर्षों तक जीवित रहने पर भी उस सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। तो आखिर इन पेड़ों को हमेशा के लिए लंबा होने से कौन रोक रहा है? ये सब रस के कारण आता है। पेड़ों को बढ़ने के लिए उन्हें प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त शर्करा और जड़ प्रणाली के माध्यम से लाए गए पोषक तत्वों को जहां भी विकास हो रहा है वहां लाने की आवश्यकता होती है। और जैसे मानव शरीर में रक्त का संचार होता है, पेड़ों को दो प्रकार के रस का संचार करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक पेड़ की कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी पदार्थों को ले जाना। पहला फ्लोएम सैप, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में उत्पन्न शर्करा से युक्त फ्लोएम रस शहद की तरह गाढ़ा होता है और पूरे पेड़ में चीनी वितरित करने के लिए पौधे के फ्लोएम ऊतक से नीचे बहता है। अपनी यात्रा के अंत तक फ्लोएम का रस पतला होकर पानी जैसे पदार्थ बनकर पेड़ के आधार पर जमा हो जाता है। फ्लोएम के ठीक बगल में पेड़ का अन्य ऊतक यानी टिश्यू प्रकार है जाइलम। ये ऊतक कैल्शियम, पोटेशियम और आयन जैसे पोषक तत्वों और आयनों से भरा होता है जिसे पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से अवशोषित करता है। यहाँ पेड़ के आधार पर एक ऊतक में दूसरे की तुलना में इन कणों की संख्या अधिक होती है, इसलिए संतुलन को सही करने के लिए फ्लोएम रस से पानी जाइलम में अवशोषित हो जाता है। ये ऑस्मोटिक मूवमेंट प्रक्रिया पोषक तत्वों से भरपूर जाइलम रस बनाती है जो फिर पेड़ के माध्यम से उन पोषक तत्वों को फैलाने के लिए तने तक जाएगी। लेकिन इस यात्रा में एक विकट बाधा का सामना करना पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण। इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए जाइलम तीन बलों पर निर्भर करती है, वाष्पोत्सर्जन, केशिका क्रिया और जड़ दबाव। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियां रंध्र नामक छिद्रों को खोलती और बंद करती है। ये छिद्र ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती के अंदर और बाहर जाने देते हैं, लेकिन वे एक छिद्र भी बनाते हैं जिसके माध्यम से पानी वाष्पित हो जाता है। ये वाष्पीकरण, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, जाइलम में नकारात्मक दबाव बनाता है जिससे पानीदार जाइलम रस पेड़ तक खींच जाता है। इस खिंचाव को पानी के एक मौलिक गुण से सहायता मिलती है जिसे केशिका क्रिया कहा जाता है। संकीर्ण ट्यूबों में पानी के अणुओं के बीच आकर्षण और पानी और उसके पर्यावरण के बीच चिपकने वाली ताकतें गुरुत्वाकर्षण को मात दे सकती हैं। ये केशिका गति मानव बाल से भी पतले जाइलम तंतु में पूर्ण प्रभाव में होती हैं। और जहां ये दोनों ताकतें रस को खींचती हैं, पेड़ के आधार पर ऑस्मोटिक गति जड़ पर दबाव बनाती है जिससे ताजा जाइलम रस तने में ऊपर चला जाता है। ये ताकतें मिलकर रस को अत्यधिक ऊंचाई तक ले जाती हैं, पोषक तत्वों का वितरण करती हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए नए पत्ते उगाती हैं, पेड़ की जड़ों से काफी ऊपर। लेकिन इन परिष्कृत प्रणालियों के बावजूद हर सेंटीमीटर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ाई है। जैसे जैसे पेड़ लंबे होते जाते हैं, इन महत्वपूर्ण तरल पदार्थों की आपूर्ति कम होने लगती है। एक निश्चित ऊंचाई पर पेड़ प्रकाश संश्लेषण के दौरान वाष्पित होने वाले पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अतिरिक्त विकास को समर्थन देने के लिए आवश्यक प्रकाश संश्लेषण के बिना पेड़ अपने संसाधनों को मौजूदा शाखाओं की ओर मोड़ देता है। हाइड्रोलिक सीमा परिकल्पना कहा जाने वाला ये मॉडल अभी इस बात के लिए सबसे अच्छी व्याख्या है कि क्यों पेड़ों की ऊंचाई सीमित होती है, यहाँ तक कि सही बढ़ती परिस्थितियों में भी। और विकास दर और पोषक तत्वों और प्रकाश संश्लेषण की ज्ञात जरूरतों के साथ इस मॉडल का उपयोग कर शोधकर्ता विशिष्ट प्रजातियों के लिए ऊंचाई सीमा का प्रस्ताव करने में सक्षम हुए हैं। अब तक ये सीमाएं कायम हैं, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ अभी भी टोपी से लगभग 15 मीटर नीचे है। शोधकर्ता अभी भी सीमा के लिए संभव स्पष्टीकरण की जांच कर रहे हैं और पेड़ों का बढ़ना बंद होने का कोई एक सार्वभौमिक कारण नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक हमें और नहीं पता चलता, पेड़ों की ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण का असल में धरती पर जीवन संवारने का एक और तरीका है। और गुरुत्वाकर्षण एकमात्र चीज नहीं है जिससे पौधों को जीवित रहने के लिए लड़ना पड़ता है। फंगस से लेकर कैटरपिलर और हाथियों तक पौधे लगातार हमले के शिकार होते रहते हैं और उन्होंने खुद को बचाने के लिए आकर्षक तरीके विकसित किए हैं। इस वीडियो के साथ उनके रक्षा तंत्र के बारे में जानें।